क्या हो गया, क्या मुसीबत पड़ गई तेरे पे, तुझे नहीं बुला लिया यहाँ पे मेरे को? बहुत जरूरी बात करनी थी तुझसे। अबे तू बोल, मैं सुन रहा हूँ। बाबू जब बात को बोल, मैं कल ही लेके आ रहा हूँ, मैं उसे अपने पास ज्यादा देर नहीं रख सकता। वो फौरी पैसे नहीं देगा तुझे? क्यों नहीं देगा? मैं बोलूंगा तो रकम देगा ना? जब वो कहेगा तुम उसके पास लेके जाएगा तब रकम मिलेगी। यार तू उसको बोल तो सही ना। हाँ मैं कह दूंगा उसको, अब जा चैन की नींद सो जा और हमें भी आराम करने दे, जा। आगे आप ऐसे दो फलाना दो ढिकाना दो। ये लो देखो इसे। जानते तो तुम हो ही, लेकिन फिर भी पढ़ के देख लो, इतना तो कर ही सकते हो। ये दुकान के कागजात हैं जो सिद्रा और सायमा के नाम है। इस पे हमारा कोई हक नहीं और वो जब चाहे हमें इससे बेदखल कर सकती हैं। तुम्हारे सामने ही तो ये सब कुछ हुआ था। अरे ऐसा भी क्या है भाई, इबादत इतनी भारी रकम हमें ऐसे ही नहीं दी थी। उसने दुकान अपनी बहनों के नाम कराई ताकि हमें अपने रोब में रख सके। और जहां तक घर के कागजात का सवाल है, तो वो मैंने बैंक में 20 लाख के एवज गिरवी रखवा दिए थे। 20 लाख रुपए ले आओ, कागजात वापस आ जाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। यानी ये सब बस दिखावा है? हम तो कंगले हो चुके हैं। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जेबी के इश्क से बाहर निकलो। वो घर बसाने और दिल में समाने वाली लड़की नहीं है। तुम उसकी खातिर अगर अपने आप को बेच भी दोगे ना, तो भी वो कल को किसी और के साथ चली जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं है ऐसी। ऐसी ही है वो, पैसे की पुजारन है वो। आज पैसा तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे साथ है, कल नहीं होगा तो किसी और के साथ होगी वो। देखो मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी में सुकून लाने के लिए सिद्रा का यहां आना जरूरी है। जाओ उसे मना के यहां ले आओ, सुकून हो जाएगा जिंदगी में। नहीं ये तो कभी नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो फिर सारी जिंदगी अपनी तकदीर पे रोते रहना। मैं क्या कह सकता हूं,